नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा, कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा किचन के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन की सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है, और गलती से हम एक नई किचन गलत दिशा में बना लेते हैं तो उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। अभी मैं एक क्लाइंट के यहाँ साइट विजिट पर गया। उनका घर साउथ फेसिंग था और उनकी जो अपनी किचन थी वो साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोने में बनी हुई थी। उनके घर के अंदर हेल्थ हमेशा अच्छी थी, थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत चलती रहती थी, उसके पीछे भी कई कारण और थे। घर में माहौल भी अच्छा था। धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ कारण ऐसे बने, उन्होंने अपनी एक किचन घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में फर्स्ट फ्लोर पर बना ली। क्या किचन को नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोने में फर्स्ट फ्लोर पर बना ली। जब किचन नॉर्थ ईस्ट में बनी और उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके कारण उस घर के अंदर क्या बदलाव आए। महीने में 15 से 20 दिन डॉक्टर के यहाँ जाना ही जाना, छोटी छोटी बीमारियाँ उस घर के अंदर बनी रही। जैसे मैंने उनके घर की विजिट की और मैंने देखा कि आपने ये किचन नॉर्थ ईस्ट में कब बनाई, क्योंकि जब घर बनते हैं तो उसमें आइडिया हो जाता है कि एक किचन प्रॉपर पहले बनी हुई है और एक किचन को हमने बाद में बनाया, तो उससे पता चल जाता है कि ये किचन आपने बाद में बनाई है। आज जब मैंने कहा कि आपने ये किचन कब बनाई, बोले बंसल जी लगभग 3 साल हो गए हैं हमें ये किचन बनाए हुए। तो मैंने कहा जिस दिन से ये किचन आपने बनाई और यहाँ पर खाना बनाना शुरू किया, उसी दिन से आपके घर के अंदर बीमारी ने एंट्री कर ली। बोले बंसल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब से हमने ऊपर की किचन चालू की है तब से हमारे घर के अंदर बीमारी आनी शुरू हो गई, और महीने में 15 से 20 दिन हम डॉक्टर के यहाँ जरूर जाते हैं, चाहे छोटी प्रॉब्लम है चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप आज हमारे यहाँ आए हैं, अभी मैं अपने भाई को हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर लेकर आया हूँ। हमारे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हमारे घर के अंदर बीमारी ने अपना घर बना लिया है। तो मैंने कहा कि आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की किचन का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर रहे हैं, तो आपके घर के अंदर जो पैसा बीमारी में जा रहा है, जो शरीर बीमारी के कारण खराब हो रहा है, वो खराब होना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बंसल जी इस किचन को तो हम आज से ही बंद कर देते हैं, यहाँ पर खाना बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो किचन हमारी साउथ ईस्ट में बनी हुई है उस किचन का पका हुआ खाना हम खाएंगे। तो मैंने कहा कि आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपके घर के अंदर हेल्थ से संबंधित जो समस्या है वो ठीक होती चली जाएगी, और जो पैसा आपका वेस्ट होता है चाहे बीमारी में जाए चाहे बेवजह खर्च हो, वो सारे सिस्टम ठीक होते चले जाएंगे। आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है, आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है, तो आप अपने किचन का जरूर बदलें। ऐसा करने से आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, राहत मिलती चली जाएगी। आप फ्लैट के अंदर रह रहे हैं और आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है और आप उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि कई बार स्टेज ऐसी आ जाती है कि हम किचन को नहीं बदल सकते, चाहते हुए भी किचन का बदलाव नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप मेरी और भी वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने किचन के ऊपर कई वीडियो बनाई हुई है, यदि आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट जोन में यानी ईशान कोने में बनी हुई है तो उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। कहने के लिए रेमेडी है, आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन देर सवेर तो आपको किचन बदलनी पड़ेगी। आप किचन नहीं बदल सकते तो आप वहाँ से फ्लैट को बदलने की कोशिश जरूर करें। जब तक फ्लैट नहीं बदला जाता उसमें महीना लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, तब तक आप अपने किचन के अंदर वो छोटे छोटे उपाय करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं और कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं,
ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और मैंने अपने YouTube चैनल पर लगभग 500 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो भी देख सकते हैं। आपका अपनी साइट के प्रति कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।